value added tax part 3 in this part we are going to study what are the three variants of vat to understand the variant of vat first we have to understand how the tax credit system works let's assume there is one manufacturer this manufacturer purchase goods suppose he purchases goods of rupees 100 and he also purchased one machine a machine hai. Machine he purchased for 1 lakh rupees now as we seen that while selling seller has to charge the vat suppose raw material pay vat pay ki manufacturer net the time of purchase paid to the seller is 10 rupees this is the tax paid on input raw material. Again, while purchasing the machinery for 1 lakh rupees, he also paid a tax of 10,000 on purchase of machinery. So, tax paid on machine purchase was 10,000 rupees, and tax paid on raw material is 10 rupees. Assume that.

उसके ऊपर टैक्स पे करना रहता है वैट सिस्टम में सो so, 150 फिफ्टी माइनस परचेस प्राइस हंड्रेड फिफ्टी के ऊपर 10% परसेंट के हिसाब से ही हैज पे टैक्स ऑफ रुपीज फाइव ओनली अंडर वैट क्योंकि रॉ मटेरियल पे क्रेडिट मिलता है नाउ इसको दूसरी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं फिफ्टीन रूपीज वन फिफ्टी पे टैक्स लाइबिलिटी है और इसको क्रेडिट मिलता है एट द टाइम ऑफ परचेस जो भी इसने टैक्स पे किया था टेन रुपीज उसका क्रेडिट मिल जाता है एंड द लाइबिलिटी टू पे टैक्स कम्स फाइव रुपीज सो इन दिस एग्जाम्पल वी हैव सीन कि ये टेन रुपीज का जो क्रेडिट मिलेगा रॉ मटेरियल के परचेज पे जो टैक्स पे किया था उसमें कोई भी डिस्प्यूट नहीं है द क्वेश्चन कम्स ही हैज परचेज मशीन ऑल्सो और इस मशीन को परचेस करके ही इज यूजिंग इट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट सो वेदर ही इज एलिजिबल फॉर क्रेडिट ऑफ टेन थाउजेंड ऑल्सो विच ही हैज पेड टैक्स एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ मशीनरी ये टेन थाउजेंड का भी क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा दिस इज वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड जो रॉ मटेरियल रहता है उसको हम बोलते हैं इनपुट और इसके ऊपर जो टैक्स पे किया रहता है इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स इनपुट टैक्स सेकेंडली जो कैपिटल गुड्स मशीन इज अ कैपिटल गुड कैपिटल गुड पे जो टैक्स पे किया रहता है उसे बोलेंगे कैपिटल गुड्स टैक्स टैक्स ऑन कैपिटल गुड नाउ इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है देर इज No doubt about that, but whether the tax credit on capital good will be available or not, the ten thousand ka credit bhi isko milega in discharging his tax liability or not, we have to see this. And this is what the basic concept of variance. So, how to give tax credit on sales tax paid at the time of purchase? Purchase of what? Purchase of input and purchase of capital good. इनपुट आपके हो सकते हैं रॉ मटेरियल या अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग गुड्स पे जो आपने परचेस के टाइम पे किया है वो बोथ आर कॉल्ड इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी एक्सेट्रा विच यू विल यूज फॉर अ लॉन्ग टर्म वाइल मैन्युफैक्चरिंग दिस नाउ थ्री वेरियंट ऑफ दैट आर ग्रॉस प्रोडक्ट वेरियंट इनकम वेरियंट एंड कंजम्पन वेरियंट इन तीनों वेरियंट में इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड है बट कैपिटल गुड्स पे जो टैक्स पे किया है वो क्रेडिट डिफर करता है तीनों वेरिएंट्स में ग्रॉस प्रोडक्ट वेरिएंट में कैपिटल गुड्स पे जो आपने टैक्स पे किया है वो अलाउड नहीं है क्रेडिट उसका नहीं मिल सकता इनकम वेरिएंट में इट इज अलाउड बट इन प्रपोर्शन टू डेप्रिसिएशन चार्ज तो हर साल जितना जितना प्रपोर्शन में आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाएंगे उस प्रपोर्शन में आपको इसका क्रेडिट मिलेगा में इट इज फुलट सी दैट मशीन यू हैड परचेस्ड मशीन आपने परचेस की थी वन वन लाख लाख रुपीस रुपीस में और वन रुपीस के ऊपर आपने टेन थाउजेंड आपने टैक्स पे किया था वेदर दिस टैक्स जो पे किया है उसका क्रेडिट मिलेगा तीन वेरिएंट्स में लेट्स सी सबसे पहले आता है ग्रॉस प्रोडक्ट ग्रॉस प्रोडक्ट वेरियंट इसमें ये थाउजेंड जो आपने टैक्स पे किया है इसका क्रेडिट नहीं मिलता सेकंड आता है इनकम वेरिएंट। इनकम वेरिएंट में दे सेज दैट टेन थाउजेंड का आपको अवेलेबल है बट इन प्रोपोर्शन टू डेप्रिसिएशन चार्ज तो फॉर एग्जांपल अगर आप टेन परसेंट डेप्रीसिएशन हर साल चार्ज करते हैं तो आपको ये टेन का टेन टेन करके आपको क्रेडिट मिलेगा तो पहले साल टेन परसेंट थाउजेंड फिर अगले साल टेन परसेंट अगेन थाउजेंड थाउजेंड इस तरह से आपको के में मिलेगा इन इनकम वेरियंट एंड लास्ट ये आपको टेन थाउजेंड का क्रेडिट इमीडिएटली मिल जाता है फुल्ली अवेलेबल है नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल सो दीज आर द्री वेरिएंट्स ऑफ वैट ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली अगेन जस्ट यू द थ्री वेरियंट्स इट इज ओनली द डिफरेंस ऑफ अलाउंग द क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन कैपिटल गुड इज डिफरेंट इन ऑल द थ्री वेरियंट नाउ वी विल सी ईच वेरियंट वन बाय वन ग्रॉस प्रोडक्ट वेरियंट देखते हैं पहले ग्रॉस प्रोडक्ट वेरिएंट में एज वी कैपिटल गुड्स पे तो इसके जो डीमेरिट्स हैं वर्किंग कैपिटल गेट्स इरोडेट आपको एक्स्ट्रा पैसा लगाना पड़ता है बिजनेस में क्योंकि उसका क्रेडिट नहीं मिलता आपको टैक्स पेड किया है सफिशियंट मनी इज नॉट अवेलेबल टू रिप्लेस द कैपिटल गुड्स प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्रीजेस क्योंकि आपको क्रेडिट नहीं मिलता है इसलिए आपकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है इसके बाद देखते हैं इनकम वेरिएंट इनकम वेरिएंट में वी हैव सीन दैट कि इसमें आपको कैपिटल गुड्स पे जो टैक्स पे किया है उसका क्रेडिट मिलता है बट इन प्रोपोर्शन टू डेप्रिसिएशन तो इसमें जो डेप्रिसिएशन में जो मिलता है दिस इज द डीमेरिटे डिफिकल्टीज में अराइज इन कॉम्पिटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अमाउंट बिकॉज देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन कौन सी मेथड लगाएंगे आप आर डिफरेंट मैथड्स सो अगेन देर इज अ कंफ्यूजन लाइफ ऑफ कैपिटल गुड इज नॉट श्योर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको लाइफ एस्टिमेट करना रहती है एंड दैट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टास्क टू एस्टिमेट द लाइफ ऑफ द मशीन अम डेप्रिसिएशन फॉर्मूला कैनॉट बी प्रिस्क्राइब फॉर एनी पर्टिकुलर फॉर ऑल सो दिस दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ इनकम वेरियंट इसके बाद बात करते हैं कंजम्पन वेरियंट मेरिट्स ज्यादा है सो लेट्स नो क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट क्योंकि आपको टोटल पूरा का पूरा क्रेडिट मिल जाता है कैपिटल गुड्स और रॉ मटेरियल पे तो डिफ्रेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है कि कैपिटल गुड है या रॉ मटेरियल है सो क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट नहीं होता है Going to plenty of credit availability, no erosion of working capital. Working capital आपका intact रहता है क्योंकि आपने जो भी पैसा pay किया रहता tax में capital goods के ऊपर वो आपको credit मिल जाता है. Sufficient funds are available for replacement of plant and machinery. There will be substantial drop in the product cost. And because you get the credit, तो final जो product cost आती है वो भी reduce हो जाती है. of the three variant discussed this is the best variant consumption variant is the best and all states almost adopt this variant only